शिवा बाबा के ये आज दूसरा दिन है और असीगढ़ से हम निकले हुए हैं। असीगढ़ से धुनकोट में ये इसका दूसरा पड़ाव होगा और अभी हमारे साथ सभी लोग चल रहे हैं और ये शिवा बाबा की यात्रा तीसरे दिन बसंत पंचमी के दिन ध्वजा रोहण किया जाएगा वहाँ पर शिवा बाबा जी का, और वहाँ पर सभी लोग हिंदू एकता की मिसाल कायम करेंगे। जय शिवा बाबा की जय। अपना बाबा शिवा बाबा, अपना बाबा शिवा बाबा, अपना बाबा शिवा बाबा, शिवा बाबा की जय। अपना बाबा शिवा बाबा, अपना बाबा शिवा बाबा, शिवा बाबा के जय। शिवा बाबा के जय। शिवा बाबा की जय। अपना बाबा शिवा बाबा, अपना बाबा शिवा बाबा, शिवा बाबा के जय। शिवा बाबा के जय। भारत अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो। 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 अपना बाबा शिवा बाबा, शिवा बाबा। 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 भारत अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो। 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 भारत अखंड हो, अखंड हो। अखंड भारत यात्रा का ये भोजन का पड़ाव आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पर सभी लोग भोजन कर रहे हैं। जय शिवा बाबा की जय। भारत माता की विजय। अपना बाबा शिवा बाबा, अपना बाबा शिवा बाबा, शिवा बाबा।
पड़ाव ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पर और सभी शिव बाबा के भक्त यहाँ पर धूमकोट में अभी यहाँ पर बज रहे हैं छः को दस कम गए 5:50 हो रहे हैं और यहाँ पर दूसरा दिन अगले दिन यहाँ यहीं से यात्रा प्रारंभ होगी जो हमारे भाई भी है पिंटू भाई भी है सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये दूसरा दिन है यहाँ पर ठहराव होगा और अगले दिन 11 बजे सुबह यहाँ से रवाना होंगे यहाँ से नगर अध्यक्ष धूमकोट के और सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वो भी अपना सहयोग दे रहे हैं क्या है सोलंकी साहब और सभी लोग आए यहाँ पर धूमकोट में ये सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है यहाँ पर शिव बाबा की अखंड भारत यात्रा का दूसरा दिन धूमकोट में समाप्त हुआ है यहाँ पर अभी धूमकोट में हम शाम के 6 बज चुके हैं यहाँ पर हम विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर सारी व्यवस्था है ठहरने के लिए और अगले दिन बसंत पंचमी के दिन बसंत पंचमी के दिन यहाँ से सुबह 11 बजे यात्रा प्रारंभ होगी और सभी श्रद्धालु लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बना रहे हैं और शामिल होकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे शिव बाबा की जय।